गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर EVS ऑनलाइन क्लास। डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू बुक वर्क एंड क्वेश्चंस आंसर्स ऑफ चैप्टर 6, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 38 एंड स्टार्ट डूइंग बुक वर्क। पेज नंबर 38, डेट लिखें आज की पहले, ठीक है। यहाँ पर डेट लिखोगे, इधर क्लास वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको हेल्प बॉक्स गिवन है बेटे, तो इस हेल्प बॉक्स में से एप्रोप्रिएट वर्ड हम चूज करेंगे एंड उसे फिर सेंटेंस में फिल करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, प्लांट्स शो मूवमेंट अंडर द। प्लांट्स कहाँ पर मूवमेंट शो कर रहे हैं, अंडर लिखा है, दैट मीन्स नीचे कहीं बात हो रही है। और नीचे मतलब क्या है, नीचे सॉइल, सॉइल के अंदर, ठीक है। सॉइल के नीचे, वहाँ सॉइल में मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द शूट ऑफ डैश प्लांट फेसेस द सन। सन की तरफ किस प्लांट की शूट चली जाती है, घूम जाती है, सनफ्लावर। सनफ्लावर का फेस किस साइड होता है, सन के साइड। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 39 पे आ जाओ। थर्ड सेंटेंस देखिए, प्लांट्स ब्रीद थ्रू होल्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड डैश। प्लांट्स जो होते हैं वो अपने, प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना, उन पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत वेरी टाइनी होल्स, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। और उसी से प्लांट्स ब्रीद करते हैं, ओके, सांस उसी से लेते हैं, स्टोमेटा। नेक्स्ट देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डैश थिंग्स। कैसी थिंग्स हैं, लिविंग या नॉन लिविंग, दे आर लिविंग बिकॉज दे ग्रो, दे ब्रीद, है ना, दे ईट, दे मूव, तो दे हैव फीलिंग्स, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, प्लांट लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट देखो, डैश ब्रीद थ्रू गिल्स। गिल्स से कौन ब्रीद करता है, फिश। नेक्स्ट, मैमल्स ब्रीद विद द हेल्प ऑफ, मैमल्स कौन से होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम कैसे ब्रीद करते हैं, लंग्स से, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। ट्रू मीन्स सच, फॉल्स मीन्स झूठ, गलत, ठीक है, सही गलत बताना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिएक्ट टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। अच्छा बेटे, इसमें बुक में थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, देखना बॉक्सेस ऊपर नीचे हैं, तो पहले बॉक्स को कट कर लो आप, और लास्ट सेंटेंस के सामने आप खुद से एक बॉक्स बना लीजिए, ओके, तो फिर बिल्कुल सामने सामने हम आंसर्स कर पाएंगे। नाउ सेंटेंस, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिएक्ट टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो तो उस पर नॉन लिविंग थिंग रिएक्ट नहीं करती। इट्स ट्रू, नॉन लिविंग थिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, वी फील कंफर्टेबल व्हेन वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन विंटर। ना बाबा, विंटर में कॉटन क्लोथ्स पहने तो बहुत ठंड लगेगी, विंटर में तो हमें वूलन क्लोथ्स पहनने हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, एफ। प्लांट्स शो फास्ट मूवमेंट अंडर द सॉइल। ना, मूवमेंट जरूर है अंडर द सॉइल, बट स्लो होती है, धीरे धीरे, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स हैव सेम ऑर्गेन्स टू ब्रीद। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के सेम ऑर्गन होते हैं ब्रीथ करने के लिए, नहीं ना, मैमल्स लंग से ब्रीथ करते हैं, फिश गिल्स से करती है, प्लांट्स स्टोमेटा से करते हैं, सब अलग अलग जगह से करते हैं। कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो स्किन से ब्रीथ करते हैं, लाइक अर्थवॉर्म, तो सबका अलग अलग है, ठीक है, सबका सेम नहीं होते ऑर्गन्स, तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट देखो, लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई। लिविंग थिंग तो मरेगी एक ना एक दिन, उसकी लिमिटेड लाइफ होती है, वो हमेशा के लिए नहीं रहती, तो ये भी हो गया फॉल्स। नाउ मैच द फॉलोइंग, इधर देखो सब नंबर्स हैं 5, उनको इधर मैच करेंगे, तो हम नंबर से लिखते हैं। फर्स्ट देखो, सीड, सीड से क्या बन जाएगा, प्लांट, बेबी, मैन बन जाएगा, कैटरपिलर विल बिकम बटरफ्लाई, फ्राई विल बी फिश, एंड टेडपोल फ्रॉग, ठीक है, तो इनको आप मैच कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो
तो आप अपनी नोटबुक ओपन करिएगा, नोटबुक में हम सारे ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैं आपको पीडीएफ भी भेज रही हूँ, आप यहाँ से समझो और फिर पीडीएफ से देखकर आराम से क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना, ओके, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। तो ओपन योर नोटबुक्स बेटे, मैं भी करती हूँ ओपन। हाँ जी, सबसे पहले तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर टुडेज डेट लिखेंगे, राइट टॉप कॉर्नर पर क्लास वर्क, चैप्टर 6, चैप्टर का नेम लिखिए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, देन राइट पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर नोट करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। आपको लेसन जब पढ़ाया था आई टोल्ड यू ना, थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिखना है। देखो, ऑल द थिंग्स आर क्लासिफाइड इन टू टू मेन ग्रुप्स, कौन कौन से, एक लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड वन इज नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, या तो लिविंग होगी या नॉन लिविंग। नाउ लाइन छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, राइट द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है। लिविंग थिंग्स ईट, ब्रीद, ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस एंड हैव सेंसेस। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो खाती भी हैं, सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं, मूव करती हैं, रिप्रोड्यूस भी करती हैं, और उनकी सेंसेस भी हैं। सेंसेस कौन सी, आईज, ईयर्स, नोज, फाइव सेंसेस पता है ना आपको, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, तो ये सब किसके पास है, लिविंग थिंग्स के पास। वेयर एज, डिफरेंस बताना है ना, तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट बताएंगे। वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, ब्रीद, ग्रो, मूव एंड रिप्रोड्यूस, दे डू नॉट हैव सेंसेस, पर नॉन लिविंग थिंग्स ना तो खाती हैं, ना सांस लेती हैं, ना ग्रो करती हैं, ना मूव करती हैं, ना रिप्रोड्यूस करती हैं, और उनके पास सेंसेस भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की बेसिक नीड्स क्या हैं, द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर वाटर, एयर एंड फूड। ये तीन चीज़ें हैं बेटा जिसके बिना लिविंग थिंग्स नहीं रह सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की मूवमेंट कैसे हो रही है, द प्लांट्स शो मूवमेंट बाय बेंडिंग, ट्विस्टिंग एक्सेट्रा, या तो झुकते हैं या ट्विस्ट करते हैं, हिलते डुलते हैं, उससे पता चलती है, दे शो स्लो मूवमेंट अंडर द सॉइल, और सॉइल में नीचे उनकी मूवमेंट स्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड क्यों चाहिए, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, ग्रो करने के लिए, हम खाना नहीं खाएंगे तो ग्रो कैसे करेंगे, है ना। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स मूव। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स क्यों मूव करते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड टू एस्केप फ्रॉम डेंजर। लिविंग एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स खाने के लिए, रहने की जगह के लिए और खतरे से बचने के लिए मूव करते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, टुडेज लेसन इज कम्प्लीट। इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपने अपनी नोटबुक्स में नोट करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।